Do I have to introduce or she should? I'll introduce. You can introduce. मैं दिया सिंह हूँ. वैसे तो अब टीवी वाले हमें जानते ही हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ टेलीविजन सीरियल्स फॉर इयर्स. बट आज मैं बहुत प्राउड हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ और करने जा रही हूँ, जिसका नाम है जिया सिंह अरोड़ा, जिसने बहुत हमें बहुत प्राउड फील कराया आज, क्योंकि उसने अपनी पहली फिल्म बनाई है. बहुत सारी फिल्मों को बनाने के बाद आज हम इस प्रीमियर पे आए हैं. उसकी 7 मिनट फिल्म सुपरमैन पगड़ी नहीं पहनता क्या, इस फिल्म की प्रीमियर पे. एंड आई वांट जिया टू टॉक अबाउट इट. जिया, आपने डायरेक्ट किया ये मूवी? हाँ, डायरेक्ट किया है और इट्स बहुत अच्छी पिक्चर है, क्योंकि इतना इसका सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. तो एक 5 साल के लड़के के बारे में है जिससे एक लड़की बहुत पसंद है, और लेकिन वो सोचता है कि वो लड़की से पसंद नहीं करती क्योंकि उसके पास जूड़ी है या फिर पगड़ी है. तो बहुत इतना सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि इसे पूरी जर्नी में बहुत मज़ा आया है करने में. 5-6 महीने में का बहुत हार्ड वर्क गया है इस पिक्चर में. और पहली फिल्म में बच्चों के साथ काम करना बहुत बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि खुद आप बच्चे हो, खुद सीख रहे हो, दूसरे बच्चे को आप एक्टिंग कराना कोशिश कर रहे हो. आई थिंक किसी भी फिल्म को बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, कास्टिंग के साथ, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ, स्पेशली कास्टिंग, क्योंकि बच्चों को कास्ट करना बहुत आसान बात नहीं होती है, क्योंकि फिर प्रैक्टिस करना होता है उनके साथ, लाइन डायलॉग रिवाइज करने होती है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. लेकिन मम्मी और डैडी से उन्होंने बहुत मदद की है, तो उनके बिना नहीं हो पाता ये. टीचर्स ने भी स्कूल में, एंड मुझे, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने इतना कॉन्फिडेंस यंग लड़की में नहीं देखा है. तो उन्होंने, वो मेरे सिनेमेटोग्राफर थे मेरे फिल्म के लिए. हाँ, दोनों ने साथ में, हम दोनों ने साथ में बहुत मिलकर महीनों और महीनों के लिए बहुत काम किया है, लोकेशन देखे है, रेकी किया है, सब कुछ हमने साथ में किया. माँ बाप ने कोई मदद नहीं की? माँ बाप ने मदद नहीं की. हमने उनको बजट भी दिया था, हमने बोला बजट क्या होगा, सब चीज उन्होंने सिर्फ प्रोड्यूस किया. बट सब चीज बजट में होना चाहिए, क्योंकि क्यों तो क्या, वो अपना बच्चा हो, बट उसे सीखना तो चाहिए कि कितना मुश्किल होता है फिल्म बनाना. अभी बोलना सिर्फ डायरेक्टर बनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ओपन हूँ डायरेक्टर, एक्टिंग, डांसिंग, जो भी आप दो मैं हाँ बोलूँगी, ना बोलने की आदत नहीं है. तो जैसा कि अब आपकी बेटी जी बॉलीवुड इंडस्ट्री में डायरेक्टर से आ रही है, तो जी आई थिंक वो सर एक्टिंग एक्टर भी बनना चाहेंगे, सिंगर, मल्टी टैलेंटेड शी इज. आप अपनी तरफ से क्या कुछ? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हर एक चीज़ ट्राई करे, अपना अपने आप को एक्सप्लोर करे, क्योंकि आज आगे जमाना ऐसा है कि एक ही चीज़ करने में संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए. वो डायरेक्शन भी सीखे, अगर उसको कोई मौका मिलता है एक्टिंग के लिए वो भी करे. आई वॉन्ट हर टू डू हर रियाज. ये ओडिसी डांसर है, इसने अपना मंच प्रवेश ऑलरेडी किया हुआ है. शी वॉन्ट्स टू लर्न ओडिसी एंड इंटरनेशनली परफॉर्म. तो मैं इस आशीर्वाद दूंगी कि ये सब कुछ करें. थैंक यू. Follow me, looks great. Archana ji.
Hello, you look fit. मेरा नाम आर्यमन सेठी है. मैं सिंगापुर इंटरनेशनल का एक स्टूडेंट हूँ. मैं आईबी फिल्म कर रहा हूँ और मेरी फिल्म का नाम है ओडिसी, जिसने मैंने डायरेक्ट किया है और सिनेमेटोग्राफी रेचल सिंह ने की है. ओडिसी नाम ओडिसी है और ड्रीम टीम तो बस क्लास का नाम दिया है. किस तरह की होने वाली है? एक्चुअली ये म्यूजिक वीडियो मैंने सोचा कि अगर 6 मिनट की फिल्म करनी है तो सबसे ज़्यादा स्टोरी आप एक म्यूजिक वीडियो में बोल सकती है. और मुझे म्यूजिक का भी बहुत शौक है तो मैंने अपना गाना गाया है, कंपोज किया है और उसी पे म्यूजिक वीडियो बनाया है. लिरिक्स भी लिखे हैं. तो ये सब करने का मेरे को लगा कि शायद ये स्टोरी का बेसिक आइडिया है कि एक लड़का बहुत एक खराब सी जगह में है. आईबी ने के ज़्यादा काम से वो कोप नहीं कर पा रहा है और कैसे वो डिप्रेस्ड है. हाँ, डिप्रेस्ड है. कैसे वो अपनी लाइफ जाके ढूंढता है और एंड में म्यूजिक को ढूंढता है और बोलता है कि ये उसकी जान है.